इंदौर के मालवा मिल चौराहे पर बैरवा समाज के गुरु संत बालीनाथ जी महाराज की प्रतिमा विराजित करने पर आपसी सहमति बन गई है। इसी के साथ ही प्रतिमा की स्थापना जल्द ही की जाएगी। वहीं सिकड़ी में आज मालवा मिल चौराहे पर भूमि पूजन समारोह का आयोजन कराया गया, जिसमें भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेकर खुशी जाहिर की। इस पूरे आयोजन में बैरवा समाज के लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय सहित अतिथियों का साफा बांध कर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा महासचिव के साथ विधायक महेंद्र हाडिया भी मौजूद थे। समाज में बहुत प्रतीक्षा की और नगर निगम की भी सहमति थी, बाकी कुछ आपसी असहमति के कारण ये प्रतिमा में विलम्ब हुआ है, पर अब एक विशाल प्रतिमा बनेगी और बैरवा समाज की शान के अनुरूप बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये 2000 से प्रक्रिया चल रही है पूरी, पर 20 साल बाद आज प्रतिमा लग रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भूमि पूजन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये मान सम्मान बैरवा समाज ने मुझे दिया, और मैं भी चाहता हूँ कि बैरवा समाज हमारे मिल एरिया की शान है। मेहनत कश है, मजदूर लोग हैं, पर अब शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बैरवा समाज के लोगों ने बहुत प्रगति की है। बहुत अच्छे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, हर क्षेत्र में बैरवा समाज के लोग हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं पूरे बैरवा समाज को आज के शुभ अवसर पर अपनी बधाई देता हूँ। आज हमारे आराध्य देव संत श्री बालीनाथ जी महाराज की मूर्ति का स्थापना दिवस का मूर्ति स्थापित होने के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है, और आज संपूर्ण बैरवा समाज के लिए आज का दिन दिवाली दीप उत्सव से भी बड़ा उत्सव है। और आज जैसा कि आप जानते हैं, इस चौराहे का नाम पहले मालवा मिल चौराया था, जो कि हमारे आरएन बैरवा जी और हमारे वरिष्ठ जीडी जारवाल जी के प्रयासों से आज इस चौराहे का नाम संत बालीनाथ जी महाराज स्थापित होने वाला है। और मैं श्रीमती अनिता संदीप कुनारे, अखिल भारतीय बैरवा महासभा प्रदेश अध्यक्ष, और मैं संपूर्ण मातृशक्ति के साथ में अपने आराध्य देव संत बालीनाथ जी महाराज की भूमि पूजन में उपस्थित हूँ। और जो वरिष्ठ और हमारे समाजजन जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सबको मैं आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और आज जनमानस, सैकड़ों हजारों करोड़ों की जनता में जो आज बैरवा समाज के जनमानस यहाँ उपस्थित है, उन सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।